आई एम आर्यनाथ, मैं आर्यनाथ हूँ। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मुझे विश्वास है कि आप में से कोई नहीं कर सकता। डू यू नो वट, क्या तुम जानते हो क्या? आई कैन प्ले द बीन, मैं बीन बजा सकता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड, आप हैरान हो जाएंगे। यस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन, मैं बीन बजाकर सांपों को नचा सकता हूँ। आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम माय फैमिली मेम्बर्स, मैंने इस कला को अपने परिवार के सदस्यों से सीखा है। वी पीपल आर नोन एज कालबेलियाज, हम लोगों को कालबेलिया के नाम से जाना जाता है। माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वाज फेमस अमंगस्ट आवर पीपल, मेरे दादाजी रोशन नाथ जी हमारी जाति में सबसे प्रसिद्ध लोगों में से थे। ही कुड ईजली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स, ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट, वह बहुत से जहरीले और ख़तरनाक सांपों को बहुत आसानी से पकड़ लेते थे। उन्होंने मुझे अपने अतीत की कई सारी कहानियाँ भी सुनाई हैं। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स, चलिए उन्हीं के शब्दों में उनकी कहानी सुनते हैं। दादाजी रिमेम्बर्स, फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर We have always been sparrows. मेरे दादा और परदादा के समय से ही हम सपेरे रहे हैं, अर्थात स्नेक चार्मर्स। Snakes have been an important part of our life. सांप हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण भाग रहे हैं। We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo baskets. हम अपनी बांस से बनी एक टोकरी में स्नेक्स को एक गांव से दूसरे गांव लेकर जाते थे। Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. जब हम किसी गांव में रुकते, लोगों का झुंड हमारे चारों ओर इकट्ठा हो जाता। वी वुड देम टेक आउट आवर स्नेक्स फ्रॉम आवर बास्केट, तब हम अपनी टोकरी में से सांपों को बाहर निकालते। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन, सांपों का नाच खत्म होने के बाद भी लोग वहाँ रुके रहते। दे नो दैट इन आवर टीन बॉक्स There were many types of medicines for them. वे जानते थे कि हमारे टीन के बॉक्स में उनके लिए अनेक दवाइयाँ होती हैं। We made these medicines from plants collected from the forests. हमने ये सभी दवाएँ जंगल से इकट्ठे किए गए पौधों से तैयार की होती थी। I had learnt All this from my grandfather. मैंने ये सभी अपने दादाजी से सीखा है। I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगता कि मैं लोगों की अपनी दवाइयों से मदद कर पाता था जहां डॉक्टर्स और हॉस्पिटल भी नहीं होते थे। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स, बदले में लोग भी हमें कुछ पैसे या अनाज देते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ, इसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी चला रहे थे। Sometimes I was called to places where
समवन हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक। कई बार मुझे ऐसे घरों में बुलाया जाता जहाँ किसी को सांप ने काट लिया हो। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राइड टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन। काटे गए निशान को देखकर मैं यह पता करने का प्रयास करता कि कौन से सांप ने काटा है। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट। तब मैं उसके अनुसार दवा देता। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। परंतु मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाता। एज यू नो सम स्नेक बाइट्स कैन इवन केस डेथ ऑन द स्पॉट। जैसा कि आप जानते हैं कुछ सांपों के काटने से तत्काल मृत्यु हो सकती है। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। लेकिन अधिकतर सांप जहरीले नहीं होते हैं। समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक। कभी कभी जब कोई किसान मदद के लिए चिल्लाता भाग रहा होता सांप सांप आई वुड कैच दैट स्नेक। तब मैं उस सांप को पकड़ लेता। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। क्योंकि सांप तो मैं अपने बचपन से ही पकड़ता आ रहा हूँ। ओह दोज वर द गुड डेज। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज। वे दिन बहुत अच्छे थे। हम लोगों की कई तरीकों से मदद करते थे। वी ऑल्सो एंटरटेन देम। हम उनका मनोरंजन भी करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टूडे वेन एवरी वन वॉचिज टी वी फॉर एंटरटेनमेंट। ये आजकल की तरह नहीं था जब सब अपने मनोरंजन के लिए टी वी देख रहे थे। वेन आई ग्रो ओल्डर माई फादर टोट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ। जब मैं बड़ा हुआ तब मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि किस प्रकार जहरीले दांतों को हटाया जाता है। ही ऑल्सो टोट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ आ पॉइजन इन द स्नेक्स इज माउथ। उन्होंने मुझे यह भी सिखाया कि किस प्रकार जहर वाली नली जो सांप के मुंह में होती है उसे बंद किया जाता है। What can we do? Aryanath, your father used to travel with me ever since he was a young child. Aryanath, तुम्हारे पिता मेरे साथ तब से घूम रहे हैं जब वह छोटे थे। He learned to play the bean without being taught. उन्होंने बिना सिखाए ही अपने आप बीन बजाना सीख लिया था। These days it is difficult. आज के समय में यह मुश्किल है। Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. आजकल सरकार ने यह कानून बना रखा है कि कोई भी जंगली जानवरों को ना तो पकड़ सकता है और न ही उन्हें रख सकता है। Some people kill the animals and sell their skins at high prices. कुछ लोग जानवरों को मार कर उनकी चमड़ी महंगे रेट में बेच देते हैं। So they made a law against this. तो सरकार ने इसके खिलाफ यह कानून बनाया। Now with this law how will we earn our livelihood? अब इस कानून के साथ हम अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाएं? We people have never killed snakes.
हम लोगों ने कभी किसी सांप को नहीं मारा एंड सोल्ड देयर स्किन, और ना ही उसकी स्किन को बेचा है। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक इन बैड कंडीशन, लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी परिस्थितियों में रखते हैं। इफ वी वॉन्टेड वी टू कुड हैव अर्न अ लोट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स, अगर हम चाहते तो हम भी सांपों को मारकर बहुत सारा पैसा कमा सकते थे। बट वी वुड नेवर डू दैट, लेकिन हमने यह कभी नहीं किया। स्नेक्स आर आवर ट्रेजर, सांप तो हमारे खजाना हैं। दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जिसको हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देते हैं। वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड, सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। इन आवर कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूमेंट्स सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक, हमारे कालबेलिया नाच में भी हम सांप जैसी मुद्राएं बनाकर डांस करते। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ, तुम्हें अपने लिए एक दूसरी तरह की ज़िंदगी बनानी होगी। यू हैव गोट योर फादर सिज गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन, तुम बीन बजाने में तो माहिर हो ही। यू एंड योर कजन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल, तुम और तुम्हारे कजन्स मिलकर एक बीन बजाने वाली पार्टी बना सकते हो और लोगों का मनोरंजन भी कर सकते हो। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गोट फ्रॉम योर एल्डर्स, लेकिन अपने बुजुर्गों से मिली इस ज्ञान को नष्ट मत करना। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज, सांपों को पकड़ने के अपने इस ज्ञान का उन बच्चों से साझा करो जो शहरों और नगरों में रहते हैं। टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स, उन्हें ये बताओ कि उन्हें सांपों से डरने की आवश्यकता नहीं है। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक्स, और उन्हें मदद करो जहरीले सांपों को पहचानने में। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, बताओ उन्हें कि किस प्रकार सांप किसानों के मित्र होते हैं। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड्स, अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स, वह खेतों में चूहों को खा जाते हैं, नहीं तो चूहे फसल खराब कर दे। नाउ यू टेल आवर स्टोरी, अब तुम इन सब बच्चों को मेरी यह कहानी सुनाना। ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी की भी एक नई कहानी बनाना। टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने पोते पोतियों को सुनाने के लिए। ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन आवर कंट्री, ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस, अनेक तरह के सांप जो हमारे देश में पाए जाते हैं उनमें से केवल 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। दे आर कोबरा, कॉमन क्रेट, दुबोइया एंड अफाई। अ स्नेक हैज़ 2 होलो टीथ, व्हेन इट बाइट्स द पॉइजन एंटर्स द पर्सन्स बॉडी थ्रू द फैंग्स, किसी सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, जब यह किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर
इन्हीं खोखले दांतों से व्यक्ति के शरीर में घुस जाता है। देयर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स, सांप के कांटे की दवाई भी है। द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन, यह दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और यह सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होती है।